फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बना रहे हैं सोयाबीन की जो बरी रहती है उनकी सब्जी। तो मैंने बरी को भिगो दिया है और आधे घंटे के लिए रख दूँगी भिगोकर। और यहाँ पर मैंने दो प्याज ली थी तो उनको पीस लिया है और तेल में उनको भूंज लूँगी अच्छे से प्याज को, जब तक हमारी बरी अच्छे से भीग जाएंगी, मतलब गल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए हमारी प्याज हो गई है अच्छे से गोल्डन। तो अब इसमें हम डाल देंगे बरी, और बरी अच्छे से फूल गई है, मतलब गल गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा बरी भी नहीं थी, थोड़ी बरी थी। तो मैंने कहा आज क्या बनाए सब्जी में, तो मैंने कहा ये सोयाबीन की बरी बना ले रहे हैं। तो बस मैं उनकी सब्जी बना रही हूँ। और ये देखिए बरी मैंने इसमें डाल दी है, और तेल के साथ इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इनको तेल में भी अच्छे से भून लिया है। और वैसे मतलब बहुत से लोग होते हैं जो इनको उबाल भी लेते हैं। पहले मैं भी उबाल कर बनाती थी, लेकिन क्या उबालने में मतलब ये पूरी टूट जाती है बीच में से। तो फिर मैंने इनको भिगोना स्टार्ट कर दिया कि मतलब आधे घंटे तक इनको अच्छे से भिगो लूँ, तब भी इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद ये इसमें डाल देंगे हम मसाले, और मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो टमाटर थे उनको भी अच्छे से पीस कर और अच्छे से पका लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ क्या, जिससे अच्छे से टमाटर पक जाएंगे। तो मतलब टमाटर पक जाती हैं तो इनका टेस्ट थोड़ा अच्छा आने लगता है, नहीं तो फिर वही कच्चापन मतलब आता है टेस्ट में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टमाटर भी बहुत अच्छे से पका लिए हैं। तो अब हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना मुझे रस वाली सब्ज़ी बनानी है, मतलब रसीली। तो बस मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से उबाल लूँगी हमारी सब्ज़ी बनकर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा रिया को मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही थी वो, तो मतलब 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी थी उसको। लेकिन मैंने आप लोग के साथ शेयर भी नहीं की कि मैं इनकी रक्षाबंधन है, तो रहने दो। और मतलब वो भी ज़्यादा नहीं लेटी, जब उसको चक्कर आया और फीवर आया उसी दिन लेटी रक्षाबंधन के दिन। तो फिर उठ गई थी, राखी वगैरह बांधी उसने खाना को भी अच्छे से। लेकिन दूसरे दिन तो बहुत ज़्यादा उसको फीवर भी आने लगी, तो चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा। चक्कर की वजह से फिर वो उठ नहीं पा रही थी, वैसे तो मतलब इतना नहीं कोशिश कर रही थी। और अभी उसके टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं तो बहुत दिक्कत आ रही थी उसकी। तो फिर मैंने सर से बात कर ली थी, तो उसने घर पर ही टेस्ट वगैरह उसके हो गए थे। सर ने भी बोल दिया था कि चक्कर आ रहे हैं, सर्दी है और फीवर है, तो फिर आप भी उसको रेस्ट दिलाओ। तो आप ऐसा करो, मतलब ऑनलाइन हो रहे थे टेस्ट भी, तो फिर उसने घर से ऑनलाइन क्लास में टेस्ट कर लिए थे। और अब तो वो ठीक है, उसको 2-3 दिन से मतलब दवाई भी लेकर आ गए थे। क्या वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं, उसको नहीं कह रही मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि उसको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इंजेक्शन से हर ही बच्चे को डर लगता है, उसी को क्या, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वैसे मुझे इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं गई। तो फिर उसके पापा घर पर ही टैबलेट वगैरह लेकर आ गए थे, तो फिर उसी से उसको फ़ायदा हो गया था, फीवर भी चला गया और सर्दी भी कम है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इसीलिए फिर वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई। लेकिन अब तो ठीक है, वो यहीं पर दवाई लेकर आ गए थे, तो उससे सर्दी भी ठीक है और फीवर भी चला गया। और बस अभी मैं सभी काम से फ्री होकर आई हूँ, तो मैं इनके थोड़ा लेट जाऊँ और आप लोगों से थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। खाना वगैरह मेरा हो गया है और किचन भी मेरी साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह सब काम से अभी फ्री हुई हूँ,
बस थोड़ा सा रह गया है, तो मुनिया को भी मैं भूसा रख कर आई हूँ, तो मुनिया भूसा खा लेगी, तो फिर इसके बाद मैं उसको पानी पिलाना है। और रिया के लिए मुझे भी पानी भी उबालना पीने के लिए, और बस यही काम है रह गया है। और अभी शायद 2:30 या 3 बजे होंगे, टाइम भी नहीं देखा मैंने, हाँ 2:30 बजे हैं। बस मैंने कि आप लोगों से थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं वीडियो क्या बनाऊँ, मैंने कि चलो आप लोगों से ही बात कर लूँ। वैसे भी मैं बहुत ऑन कैमरा बात भी नहीं करती हूँ, तो आप लोगों को मेरी बात कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करिए। काना और ऋचा पढ़ रहे हैं, उस कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क वगैरह कंप्लीट। तो बस यहाँ पर मैं फ़ैन चालू कर थोड़ा लेट गई हूँ, क्या फिर वहाँ पर लेट हो तो उन लोगों को भी आलस आता है, तो मैंने कि इस कमरे में, इस वाले रूम में आकर मैं लेट गई हूँ। तो बस इसीलिए मैंने कि आप लोगों से थोड़ा मैं बात कर लूँ।